सारी बातें एकत्र हुए हैं। आज हम पीओवन के सम्मेलन में, जैसा कि आपके सामने एक बार फिर, चाहे LIC हो चाहे महासंघ हो, एक बार अपनी प्रतिबद्धता समाज के प्रति, पेबैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब ने हमें एक सिद्धांत दिया कि हमें सर अगर हम किसी कारण से इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो हमें भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे पहले 16.5 लाख रुपए पीड़ितों के लिए दिए गए, आज फिर बिटिया के लिए सब लोगों ने एक बहुत, चाहे से छोटा कहो या बड़ा कहो, लेकिन सबका एक सहयोग राशि इस बिटिया को जाने के लिए प्रेरणा बनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि बिटिया वहां तक जीत करते हो। दोस्तों, जैसा कि अभी पहले भी मेरे पूर्वोत्तरताओं ने काफी कुछ बोला और आज हालात ये है कि जो हम यूनिटी की बात करते हैं कि यूनाइट अगर नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारा भविष्य क्या है। लगातार बाबा साहब ने जो करना था वो तो करके चले गए, हम लोग आ जाए इस हालत में है कि आज कम से कम सूट बूट में आ गए, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, कोई IIT, कोई IIM, कोई MBBS, कोई किसी और तरह से, ये जिसकी बदौलत हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी कही हुई बातों को भूल, और जब तक उन चीजों को याद नहीं करेंगे, उन चीजों को हम लोग अपनाएंगे नहीं अपने जीवन में। बहुत रोष के साथ चौधरी साहब ने आपको बताया, बहुत सारी चीजें बताई, अगर बाबा साहब को अपनी चिंता होती तो आज कम से कम हम लोग यहाँ नहीं होते। तो हमें उनकी कही हुई बातों को भी मानना चाहिए, उन्होंने क्या कहा क्यों कहा। अपने अपने मजे तो हर कोई ले सकता है अपनी बीवी बच्चों के साथ में, हम लोग असल में समाज की परिभाषा भूल गए, बच्चे को रुकवा के रखे हैं। हमारा समाज केवल हमारे बीवी और बच्चों तक सीमित कर रहे हैं, जो इस देश के लिए हम लोगों के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान है। हमारा परिवार हुआ करता था, हमारे भाई बहन हुआ करते थे, चाचा ताऊ हुआ करते थे, मामा फूफी हुआ करती थी, हमारी कोई परिवार होता था। हम लोग सब लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ 99% गाँव के रहने वाले हैं और हम लोग उनको पीछे छोड़ करके शहरों में आकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग उस समाज को वहीं छोड़ करके आ गए और हम लोग शायद बहुत कम लोग हैं जो उसकी चिंता करें। सबसे पहले हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। पेबैक टू सोसाइटी के नाम पे आप और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो हमारे पीछे अपना समाज है, जो हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, समाज से मेरा मतलब अपने परिवार को समझो, उससे बाद की बात तो बहुत दूर की बात है। जब तक हम अपने परिवार को ही नहीं संभालेंगे तब तक कैसे समाज की बात करें। तो सबसे पहले समाज में अपने परिवार को संभालिए, जब परिवार समझ जाए तो उसके बाद समाज के आगे की तरफ भी बढ़िए। आप इस लायक हैं, हमें बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें कही, पहले कुप्रथाओं की बात की उन्होंने, लेकिन हम आज भी उन्हीं कुप्रथाओं में जी रहे हैं, हम लोग उन कुप्रथाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम मूर्ति पूजा की बात करें तो मूर्ति पूजा में सबसे ज्यादा अगर हम ही लोग, मैं तो ये मानता हूँ सबसे ज्यादा हम ही लोग। रावण की बात करो, अभी टीवी पे दिखाया गया था, उसमें 95% बच्चे हमारे थे, SC ST और ओबी समाज के, क्योंकि जिसको हम हायर कास्ट की बात करते हैं उन्हें तो फुर्सत नहीं है पढ़ाई से, उनके बच्चों को फुर्सत नहीं है IIT IIM और MBBS करने से। तो जब हमारे बच्चों को कोई जॉब नहीं मिलता, कोई काम नहीं होता, तो शायद वो उसी रूप में इस साथ भोले बाबा उनके कुछ मदद कर दे, मूर्तियों से उम्मीद करते हैं। हम मूर्तियों से उम्मीद करते हैं कि वो मूर्तियां हमारी मदद करेंगी, हमें अपने ऊपर काम
कोई भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता हम अपनी पढ़ाई से लिखाई से या अपने किसी भी कर्म से हम लोग अच्छे नौकरी पा सकते। मंदिरों में जाकर देखिए आपके 95% लोग हमारे समाज के लोग, कोई 100 रुपये चढ़ा रहा, कोई 1000 रुपये चढ़ा रहा, कोई 5000 रुपये चढ़ा रहा, केवल किस लिए? उस मूर्ति को कह रहे हैं कि तू मेरा भला कर दे तो मैं इतने पैसे और बाद में आके चलूं। अभी ऐसा हुआ आज तक? अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई ईश्वर है और ये दुनिया उसकी बनाई हुई है, ये सारे धन दौलत उसकी है, तो हम उसको रिश्वत देकर अपना काम कराना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को छोड़ना चाहिए। हमें जाति प्रथा की बात हम लोग करते हैं और सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हम ही हैं। अगर पिछले दिनों एक बात आई, किसी ने ये कहा कि क्या चमार का लड़का किसी बंदी की लड़की के साथ कर सकता है, और सबके मूल कर दिए, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी लड़की ब्राह्मण के घर में जा सकती है, ब्राह्मण की लड़की हमारे घर में आ सकती है, तो क्या जो जो वो है अनुसूचित जाति का ही एक सदस्य है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शादी क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं करना चाहिए? तो बाबा साहब ने जो छोटी छोटी चीजें कही, हमें सबसे पहले उनको हम बनाना चाहिए, हमें अपने अंदर से संकाश की भावना को खत्म करना चाहिए। हमें रोटी तो हम लोग एक साथ खाने लगे, लेकिन हम रोटी का रिश्ता करने में आज के आपको समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज भी अपने सब कास्ट में रिश्ते ढूंढते हैं, और वही बाबा साहब की थोड़ी थोड़ी खेल हो जाए। तो बातों को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं तो पहले एक ही बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप सभी यहाँ LIC के साथ इकट्ठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा हमारे बीच में बब्बर से श्री KP चौधरी जी हैं, दिन रात समाज के लिए तन मन धन से लगे रहते हैं, उनको मजबूत करिए, वो मजबूत होंगे तो आप अपने आप भी मजबूत होंगे। उनको जैसे उन्होंने कहा है कि भाई उनको भी थोड़ा सा छोटे कामों से उनको मुक्ति दो जिससे कि वो बड़े काम कर पाए, छोटे छोटे कामों की जिम्मेवारी आप खुद संभालिए और उनको कहिए कि आप बड़े कामों की तरफ अग्रसर रहिए। हम आपके साथ पूरा महासंघ आज के चौधरी जी के नेतृत्व में, समस्याएं पहले से ज्यादा हैं, ये ना सोचना कि हम अगर पढ़ लिख करके या हम लोग नौकरी में अच्छी नौकरी में आ गए तो समाज की समस्याएं खत्म हो गई। समाज की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, घट रही नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आए एक ही कि किसी भी प्रकार से इन लोगों को इनके औकात में लाना है, और जो हमारी आज की सरकार है वो तो खुल के कह रही है जो उनका अपना एजेंडा है, जो उनका आज की तारीख में प्रोग्राम चल रहा है वो यही है कि इन लोगों को इनके औकात में लाना उनकी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को हमें खत्म करना है, और हमें अपनी लड़ाई पहले की अपेक्षा चाहे 1997 रहा हो या वो उसके बाद में लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हों, महासंघ के तत्वाधान में आप लोगों को पूरे महासंघ को मजबूत करना है, अपने नेता KP चौधरी जी को मजबूत करना है, CV रावत जी को मजबूत करना है, हमारे बालक राम जी को मजबूत, जो भी हमारे साथी अलग अलग संस्थाओं के हेड हैं उनके हाथ मजबूत होंगे तो अपने आप आप लोग। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए केवल एक बार फिर आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, महासंघ हमेशा आप लोगों के साथ है। KP चौधरी जी के नेतृत्व में हमेशा देश की सुरक्षा को लेकर जागरूक है, और जब भी आपको कोई कॉल मिलती है, जब भी आपको कहीं आने का जाने का कहीं पे इकट्ठे होने का या किसी प्रकार से कोई मैसेज मिलता है तो तन मन धन से आप उस टीम में लगे रहेंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शायद जो आने वाला कष्ट के दिन है वो शायद नहीं आएंगे और हम उनको पार पाएंगे। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।